तो इसराइल और हमास के बीच लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक्ट्रेस नुसरत भरूचा इसराइल से मुंबई वापस लौट चुकी हैं। फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने के लिए नुसरत भरूचा इसराइल गई थी। आपको याद होगा, इससे पहले खबर ये मिली थी कि उनकी टीम से उनका संपर्क टूट गया था, संपर्क नहीं हो पा रहा था। और आखिरी बार जब बात हुई थी तब नुसरत की तरफ से बताया गया था कि वो किसी बेसमेंट में है। हालांकि अच्छी खबर ये है कि वो सकुशल वहां से अब भारत लौट आई है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त मुंबई एयरपोर्ट पर नुसरत भरूचा पहुंची थी। और लेबनान की ओर से हमले के बाद इसराइल पर दो फ्रंट से युद्ध की आशंका इस वक्त जाहिर की जा रही है। देखिए, ये दो फ्रंट वॉर जो है वो कैसे हो सकते हैं, उसे भी आप सभी के लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। जो इलाका आप देख रहे हैं ना, ये इलाका इसराइल के दक्षिण में गाजा से हमास ने कल हमला यहीं से शुरू किया था। और अब इसराइल के उत्तर में मौजूद लेबनान की ओर से इसराइल पर जबरदस्त हमला शुरू हो चुका है। आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, ये इसराइल है और किस तरीके से हमला जो है वो शुरू किया गया था। सबसे पहले जो हमला किया गया था, मतलब आप ये समझिए, एक समय पर इसराइल को दो दो मोर्चों पर युद्ध जैसे हालात से इसीलिए निपटना पड़ रहा है क्योंकि एक तरफ से लेबनान हमला कर रहा है, दूसरी तरफ से गाजा पट्टी की तरफ से भी लगातार ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। यानी कि पहले ही इसराइल ये ऐलान कर चुका है कि युद्ध लड़ा जाएगा, लेकिन दो दो मोर्चों पर ये जो बड़ी चुनौती है उसे अब कैसे यहाँ पर संभाला जाए, ये इस वक्त इसराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आ गया है। इतना ही नहीं, आप समझिए कि एक तरफ गाजा पट्टी है, दूसरी तरफ लेबनान, जहाँ पर लेबनान ने जिस तरीके से लगातार हमले किए, जिसकी जिम्मेदारी जो है हिजबुल्ला की तरफ से ली गई है जो एक आतंकवादी संगठन है। अब तीसरी तरफ सीरिया है, जो क्योंकि सीरिया साफ तौर पर ये कह चुका है कि हाँ हम जो है हमास के साथ खड़े हुए, तो क्या ऐसे में आने वाले समय में सीरिया की तरफ से भी हमले किए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इसराइल की तरफ से दो मोर्चों पर लगातार हमले जारी है।